नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेति आज आपको कक्षा 8 का पाठ कृत योगी विनोबा पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे और हमारे देश के इस महानायक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पाठ से ही पता लग रहा है कि पाठ का नाम है कृत योगी विनोबा। विनोबा भावे जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के गांगोदा नाम के एक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये 4 भाई बहन थे, इनकी एक बहन थी और ये 3 भाई थे। इनके जो पिता थे वे बुनकर थे। इनके पिता चाहते थे कि ये बहुत ही अच्छे देश के नागरिक बने। इन पर इनके जीवन पर जो सर्वाधिक प्रभाव था वो अपनी माता जी का था। इनकी माता जी ने इन्हें बचपन से ही रामायण, भागवत गीता, इस प्रकार की जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं यानी कि आध्यात्मिक किताबें होती हैं उनको पूर्ण रूप से इनको पढ़ाया था और समझाया था। उन किताबों का असर इनके जीवन पर यह हुआ कि विनोबा जी ने सोच लिया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और उस परम सत्य की खोज करेंगे कि मेरा जीवन क्यों है। इसीलिए ये कई सवाल भी किया करते थे। विनोबा भावे जी पढ़ाई में बहुत ही तेज थे। इनके प्रिय विषय संस्कृत और गणित थे। ये काफी मेधावी छात्र भी रहे हुए हैं। विनोबा भावे जी जब 10वीं में थे तो इन्होंने 10वीं करने के बाद जब ये 12वीं करने लगे तो 12वीं में जब ये जा रहे थे पेपर देने तो अचानक से इन्हें रास्ते में लगा कि मेरा जीवन क्यों है, क्या मैं उसे व्यर्थ तो नहीं कर रहा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और कुछ इसी प्रकार के सवाल इनके दिमाग में आए और ये घर आए और इन्होंने अपने सारे जो सर्टिफिकेट वगैरह थे उन सबको फाड़ दिया और फाड़कर जला भी दिया। ये दरअसल हिमालय पर जाना चाहते थे क्योंकि ये आत्मिक शांति और अध्यात्म से जुड़ना चाह रहे थे। लेकिन हुआ ये कि ये गांधी जी से मिल गए और गांधी जी से मिलने के बाद ये इतने प्रभावित हुए कि इन्हें लगा कि जो सत्य मैं पाना चाहता था, जो मैं पाना चाह रहा था हिमालय की चोटियों पर जाकर, वह परम सत्य तो मुझे गांधी जी से मिलने के बाद ही मिल गया है। और फिर गांधी जी इन्हें अपने आश्रम में ले गए और जब वे अपने साबरमती के आश्रम में ले गए तो वहाँ इन्होंने देखा कि लोग सूत कात रहे हैं और ये भी कातते थे, चरखा चला रहे थे। तो इस तरीके की जो सामान्य जिंदगी है जब लोग उसे जी रहे थे तो यह देखकर इनको बड़ा मजा आया और इन्हें लगा कि जो परम सत्य मैं हिमालय की चोटियों पर पाना चाहता था वह परम सत्य तो मुझे यहीं पर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। अब इन्होंने जो कुछ मूवमेंट चलाए थे यानी कि जिन्हें आंदोलन कहते हैं, इन्होंने कुछ ऐसे आंदोलन चलाए जिनमें कि रिकॉर्ड तोड़, जिनका जो डाटा आज मिलता है वो रिकॉर्ड तोड़ है उस समय का। अब वो किस चीज़ में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा? पहला था इनका जो मूवमेंट था इस सर्वोदय मूवमेंट से जुड़े। सर्वोदय का अर्थ होता है सर्व उदय, सबका उदय होना, अर्थात सबकी तरक्की होना। जब सबकी तरक्की किसी से जुड़ जाएगी तो वह देश अपने आप ही क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इन्होंने दूसरा मूवमेंट जो चलाया था ये सर्वोदय के अंतर्गत ही आया था जिसमें जयप्रकाश नारायण जी भी जुड़े हुए थे। फिर दूसरा इन्होंने जो आगे चल के एक मूवमेंट चलाया वो था इनका जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ मूवमेंट था वो था भूदान मूवमेंट। इन्होंने कुछ लोगों से ऐसे इन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की थी कि इनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीनें नहीं हैं। उस बात से इतने प्रभावित हुए कि इन्हें लगा कि लोगों के पास जमीनें नहीं है और हम एक कृषि प्रधान देश के लोग हैं और कुछ लोगों के पास अति जमीनें हैं जो कि जमीनों का कुछ कर भी नहीं रहे। तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया भूदान, यानी जिनके पास जमीन है वे जमीन दें। अब ऐसे ही तो कोई किसी को अपनी चीजें दे नहीं देगा, ठीक है। सामने वाले की बात में वजन होना चाहिए, सामने वाले के समझाने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो बात आप जिसको समझा रहे हैं वो समझ जाए। तो ये थी इनकी पावर, ये थी इनके अंदर शक्ति। इनके अंदर इतनी शक्ति थी, इनके अंदर इतना जो ये इतने प्रकांड विद्वान थे, ये इतने जिस बात को ये करते थे सामने वाले को तथ्यों के साथ
ये उस बात को बताते थे, यानी प्रूफ करते थे हर बात को, ठीक है। तो जब ये हर बात को प्रूव करेंगे, हर बात को सिद्ध करते थे, तो सामने वाला इनकी बातों से प्रभावित भी होता था। दूसरा, ये इतने सहज व्यक्ति थे, इतने साधारण व्यक्ति थे और इतने प्रकांड विद्वान, तो इनकी बातों में आना या इनका सानिध्य प्राप्त करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो विनोबा भावे जी गांधी जी के बिल्कुल दाएं हाथ कहलाते थे, कि बिल्कुल गांधी जी जो हैं इनके बिना कोई काम कर नहीं सकते थे। गांधी जी इनकी सादगी पर, और जो इन्होंने एक व्रत लिया हुआ था कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा, और अविवाहित में इन्होंने जो दृढ़ संकल्प लिया हुआ था उसमें ये किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कार्य को महत्व नहीं देते थे जो कि इनको साधारण होने से रोके। तो इनकी जो सादगी थी और इनकी जो इंटेलिजेंसी थी, जो इनका इनकी विद्वता थी, इनकी विद्वान जो ये थे, उसको देखकर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। और यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी को 100% कह सकते हैं आप 100% समझते थे, और उनकी किसी भी बात को यदि वे नहीं लोगों को समझा पा रहे किसी कारणवश, तो विनोबा भावे जी इतने प्रकांड विद्वान थे कि ये गांधी जी की बात को लोगों को सहज भाव से समझा देते थे। हाँ, तो इनके जो इन्होंने जो जब गांधी जी का आश्रम ये गए थे, तो वहाँ इनको इतनी सुख और शांति मिली कि ये वहीं के होकर रह गए। अब गांधी जी के क्योंकि ये दाहिने हाथ हो चुके थे, तो गांधी जी ने भी इनको कई ऐसे ऐसे काम सौंपे कि जिनमें गांधी जी को लगता था कि कोई और कर ही नहीं सकता। और ये सच्चाई थी, क्योंकि गांधी जी ने भी पूरी दुनिया घूमी हुई थी, तो उनकी पार की नज़र भी बहुत तेज थी। उन्होंने विनोबा भावे जी को बिल्कुल सही समझा, और विनोबा भावे जी ने वो सब कुछ कर दिखाया जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इनके अंदर कुछ असाधारण चीज़ें ऐसी थीं, जैसे कि इनका जो इनका विद्वान जो इनकी इनके किताबों की रीडिंग थी, जो ये किताबें पढ़ते रहते थे, और जो इनका भागवत गीता के ऊपर एक बहुत ही कमांड थी, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनको मानते थे लोग अगर ये कोई भी बात कह देते थे। तो ये जो सब चीज़ें मिलकर विनोबा भावे जी का निर्माण हुआ था, एक विनोबा भावे जी बने थे। विनोबा भावे जी ने गौहत्या पर भी पाबंदी लगाई। देखिए, इनका मानना ये था कि जो चीज़ हमें जीवन दे, ठीक है, वो उसको हम एक तरीके से पूजते हैं। हर कोई उसको अच्छा मानता है जो हमको कुछ क्या करता है, जो हमको जीवन दान दे दे, जो हमको जीवन दे वही तो पूजनी है। तो गाय का क्या होता है कि गौमूत्र भी और उसका जो कावडंग होता है, जो गोबर होता है वो भी, और गाय का दूध भी, वो इतना इतना लाभकारी होता है, इतना गुणकारी होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इनके समझाने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। इनका समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि कोई भी व्यक्ति इनके समझाई गई बात से अलग नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक बार चंबल गए, पर चंबल उस समय डाकुओं से भरा हुआ इलाका होता था, और चंबल के लोग बहुत जो होते थे, चंबल में जो डाकू होते थे बिहड़ों में रहते थे, और उनसे सब लोग डरते थे। लेकिन इनकी बात का उन पर भी ऐसा असर हुआ कि कहते हैं कि चंबल में जो गांव जो मतलब लूटते थे जो डाकू, उन्होंने भी आकर और इनके आगे अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसे थे विनोबा भावे जी। उन्हीं की आज एक छोटी सी कहानी, छोटा सा लेख कह दीजिए, वो आपके पुस्तक में दिया गया है, जिसे मैं अब आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं मुझे नहीं सूझता, तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबा देता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी दयामय दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वह सॉरी गुण विशेष रूप से धारण करे। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है, तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट में के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। ये जो पैराग्राफ या जो अनुच्छेद मैंने अभी पढ़ा, ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था विनोबा भावे को। विनोबा भावे ने इन्हें अपना पिता माना था, और महात्मा गांधी जी को ये पता था कि सामने वाला जो व्यक्ति है अर्थात विनोबा भावे, वो बहुत ही विद्वान है, बहुत ही सादा इंसान है।
तो उन्होंने भी कहा कि यदि कभी मेरे भीतर हिरण्यकश्यप जैसी बात आ जाए, अर्थात हिरण्यकश्यप ने एक राक्षसी प्रवृत्ति अपनाई थी, उसने अपने बेटे को कहा था कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, जो पूज रहा है मुझे पूजो, यानी कि उसके अंदर अहंकार आ गया था। तो गांधी जी कहना चाहते हैं कि यदि मेरे भीतर भी कभी अहंकार आ जाए तो तुम भी मुझे जैसे भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के साथ किया था वैसे ही तुम भी मेरे साथ करना, अर्थात मुझे उसी समय मेरी गलती की सजा दे देना। सन 1918 में महात्मा गांधी ने ये उद्गार उस विभूति के लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व तथा अपूर्व कृतित्व ने भारत को ही नहीं विश्व के अन्य अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया। ये सारी बातें अब विनोबा भावे जी के लिए कही जा रही है। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही वह काशी चले गए थे। वहां से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर अहमदाबाद आए और कुछ समय बाद गांधी जी से एक वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम से चले गए। एक वर्ष की अवधि में अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरण से युक्त 10 फरवरी 1918 को उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा। देखिए, जो विनोबा भावे जी थे ये अपने शरीर पर भी बहुत कार्य करते थे, जैसे शरीर को साधे रखना, शरीर को संतों की तरह बनाना, शरीर में क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी, ये बहुत सारे ऐसे मूवमेंट से जुड़े हुए थे जो शरीर से रिलेटेड भी थे। जैसे इन्होंने कई सालों तक पैदल यात्रा करी, फिर कई सालों तक इन्होंने साइकिल पर यात्रा करी, तो इस तरीके से ये शरीर को भी लेकर भी बहुत क्या रहते थे, अलर्ट रहते थे, बहुत ही कह सकते हैं कि ये नहीं था कि शरीर कुछ नहीं है, ये जानते थे कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। तो ये अपने प्रयोग शरीर पर करते रहते थे, कभी व्रत ले लिए, बहुत लंबे लंबे व्रत ले लेते थे, कभी नमक को छोड़ देते थे, कभी बहुत ही दूध पर ही टिके रहते थे, तो ऐसे ऐसे इन्होंने कई अपने शरीर के साथ प्रयोग किए और बहुत सफल भी रहे। ये 300 बार तो सूर्य नमस्कार एक दिन में कर दिया करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि इनका स्टैमिना कितना था, इनके जो पावर थी, इनकी शक्ति थी, जो आत्मबल था इनके अंदर कितना अधिक था। विनोबा जी ने लिखा था, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने हेतु देश सेवा करने के लिए व्रत लिया था। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिला हुआ। उस समय मुझे गीता पढ़ने का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ था। तभी से मैंने घर पर भी स्वयं संस्कृत का अभ्यास आरंभ कर दिया था। मेरा निश्चय था कि तत्वज्ञान का भी अभ्यास करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। बाई में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लाभ हुआ। अब यहाँ पर जो विनोबा भावे हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं गांधी जी को कि किस प्रकार से जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं क्या करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, अर्थात मैं अविवाहित रहूँगा, सेक्स से दूर रहूँगा और किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि सांसारिक प्रलोभनों में डालेगी उनसे मैं बिल्कुल दूर रहूँगा। ठीक है, तो ये उनका व्रत उन्होंने कब ले लिया था, ये 10 साल के जब होते तभी कर लिया था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि मैं देश की सेवा के लिए क्या रहूँगा, हमेशा तत्पर रहूँगा। तो यही बातें वे गांधी जी को भी बता रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। अब यहाँ पर विनोबा भावे जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कार्य किए थे। तो 10-12 मील तक वो घूमते थे, बाद में 6-8 शेर अनाज पीसना चालू किया, यानी कि पहले जो हाथों की चक्की होती थी उस पर इन्होंने ये अनाज पीसना शुरू किया। और आज 300 सूर्य नमस्कार पर घूमना यह मेरा व्यायाम है, इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया, मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म मसाले और नमक न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया, बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता, फिर भी उसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत आ गई। अब देखिए, ये प्रयोग वो अपने शरीर पर करते थे और इनसे होने वाले लाभ और हानि जो होते थे वो उन्हें प्रैक्टिकली
उसी समय ही उनको पता लग जाते थे। इस प्रकार छोटी सी अवस्था से ही विनोबा जी की कठोर साधना आरंभ हो गई थी, जो अंत तक अखंड गति से चली। वस्तुतः आरंभ से ही उनकी दृष्टि अंतर्मुखी थी, इसी से उन्हें दुनिया के आडंबर में कभी रस नहीं आया। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरर्थकता दिखाई दे गई, झट पढ़ाई छोड़ दी और स्कूल पढ़ाई का मोह मन से सदा के लिए निकाल दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके मन में हमेशा अध्यात्म को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, बहुत ही जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने ये जो बाहरी मायावी दुनिया है जैसे शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा में भी इस तरीके की शिक्षा जो किताबी शिक्षा है इसको इन्होंने छोड़ दिया और फिर ये किस में लग गए, अपने जो प्रैक्टिकल जो लाइफ जी सकते थे ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लग गए। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसलिए इस पैराग्राफ को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसको आप लोग अपने आप किताब पर पढ़ लें क्योंकि यही आपको मैं पहले समझा भी चुकी हूँ। फिर अच्छा ये कहाँ मिल, ये गए थे गांधी जी से मिलने, गांधी जी गए थे एक बार कहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है ना, हिंदू विश्वविद्यालय वहाँ गए थे कुछ अपनी स्पीच वगैरह देने, और वहाँ इनकी मुलाकात किससे, गांधी जी से हो गई। और फिर तो जो गांधी जी से इनका लगाव हुआ, जो जुड़ाव हुआ, वो कई मोमेंट तक चलता रहा, और यहाँ तक कि जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो साबरमती का जो आश्रम था उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। और साबरमती वर्धा नालवाड़ी तथा परम धाम में उन्होंने जो प्रयोग किए उनकी विस्तार से चर्चा करना असंभव है। अपने मौलिक चिंतन से उन्होंने कताई सफाई तथा बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति की। उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी का कहना था कि इसमें विनोबा जी इतने निष्णात हो गए हैं, यानी परफेक्ट हो गए कि अपने मौलिक निष्णात हो गए कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलना में रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जिक्र दिया गया है कि जब इन्होंने अपना एक मूवमेंट चलाया था जिस मूवमेंट का नाम था भूदान, यानी कि जमीन को दान लेने का एक मूवमेंट इन्होंने चलाया जो रिकॉर्ड तोड़ बना था। उसमें लोगों ने, निजामों ने, बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी भूमि इनको बस ऐसे ही इनके बोलने पर ही दे दी। क्यों दे दी थी, क्योंकि इनके बोलने में वो ताकत थी और क्योंकि ये बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और सबसे बड़ी बात थी कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए सादे इंसान थे, तो हर व्यक्ति को पता था कि ये खुद तो लोभ करता नहीं है, खुद अपने लिए तो मांग नहीं रहा, ये समाज के लिए मांग रहा है, और बड़े बड़े दाने तो हमारे देश में रहे ही हैं। तो 10 अप्रैल को नलगुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहां की 3000 आबादी में से 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग वहां उपस्थित लोगों के सामने रखी। तत्काल एक भाई खड़े उठे और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दे दी। यह था भूदान गंगा का उद्गम। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वे भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश की पदयात्रा करने निकल पड़े। कहते हैं कि जो विनोबा भावे जी थे वो उनको जो सबसे ज़्यादा जो जमीन उसी समय जो उनके बोलने पर ही दे दी थी वो दी थी रामचंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने। उसके बाद तो कई निजामों ने, हैदराबाद के कई निजामों ने उनको ज़मीन दी, साउथ गए वो, केरल गए, वहाँ के लोगों ने उनको ज़मीनें दी, मतलब फिर उनके पास कोई ज़मीन की कमी नहीं रही। और फिर वो एक जगह गए पावनार, और पावनार से फिर वो दिल्ली गए, और दिल्ली के बाद वो फिर पूरा देश घूमे और 15 साल तक वे घूमते ही रहे। और बिहार में तो उनको लोगों ने इतना भूदान दिया, इतना भूदान दिया कि पूरा पूरे बिहार के लोगों ने इनको कहा कि आप हमसे हमारी भूमि ले सकते हैं। तो ये जगह जगह घूमे और 15 साल तक जब ये घूम कर वापस आए तो इनको ऐसा लगा कि अब मुझे किसी एक जगह पर ठहर जाना चाहिए। अच्छा, यही एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको 1958 में, यानी कि 1958 में ये पहले व्यक्ति थे जिनको इंटरनेशनल रेमो मैग्सेसे अवार्ड मिला था, और 1983 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार के थे हमारे विनोबा भावे, और इस तरीके से विनोबा भावे जी ने जो अपने जीवन में चाहा वह पाया, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ, और इनकी भागवत गीता के ऊपर तो बहुत ही अच्छी पकड़ थी। ये जहाँ पर भी बैठकर बोला करते थे वहीं पर इनके जो लेक्चर थे वो क्या हो जाते थे, लोग छाप लिया करते थे और वो प्रिंट आउट हो जाते थे, तो लोग उनको पढ़ना पसंद करते थे क्योंकि ये इतने ज्ञानी इंसान थे, इनके साथ बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी।
इन्हें ऐसा नहीं है कि इनका जीवन बहुत ही सहज निकला, बहुत ही सादा निकला। जब ये गांधी जी से जुड़ गए तो समझिए इनका जीवन भी तो कठिन हो गया होगा, क्योंकि ये भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, ये भी कई आंदोलनों में भाग लेते थे, अंग्रेजों का समय था, इन्हें भी जेल जाना पड़ता था। लेकिन ये जब ये जेल गए तो जेल में भी ये जब जेल वाले लोगों के साथ बैठे और वहाँ बातें करने लगे तो वो भी बातें सारी छप गई। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पाठ अच्छी तरह समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और साथ ही विनोबा भावे जी का व्यक्तित्व भी आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी विनोबा भावे जी के जीवन से प्रभावित होंगे और अपने जीवन में भी उन्हीं के प्रकार का ज्ञान लाएंगे और उन्हीं के प्रकार की जो सादगी थी वह लाएंगे, क्योंकि हमारा देश इन्हीं लोगों की वजह से महान बना है। धन्यवाद।